फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ एन बाय थाउजेंड, कैलकुलेट द पीएच ऑफ एन बाय थाउजेंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एन बाय थाउजेंड NaOH सॉल्यूशन एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन, एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन, ठीक है। और आपको इसमें KW की वैल्यू गिवन है, KW इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 40, KW इक्वल टू क्या है 10 रेज टू पावर माइनस 40। तो देखो बेटा ये न्यूमेरिकल आप कैसे करोगे, इस तरह के क्वेश्चन आप सबसे पहले ही कह रहा है कि आपको पीएच निकालनी है एन बाई थाउजेंड सोल्यूशन की, ठीक है। तो आपको ये देखना है यहाँ पे क्या कंसेंट्रेशन है OH नेगेटिव की, तो OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है एन बाई थाउजेंड, यहाँ बेस की कंसेंट्रेशन गिवन है OH नेगेटिव की क्या कंसेंट्रेशन है एन बाई थाउजेंड, मतलब वन बाई थाउजेंड है। तो इसका मतलब ये हो गया 10 रेज टू पावर माइनस 3 नॉर्मल, 10 रेज टू पावर माइनस 3 नॉर्मल हो गया। और आपको पता है NaOH के केस में नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी है, मतलब ये 10 की पावर माइनस 3 मोलर हो गया, ये क्या हो गया 10 की पावर माइनस 3 मोलर हो गया, ठीक है। तो यहां से हमें कंसेंट्रेशन मिल गई OH नेगेटिव की। अब आपका बेटा आगे इस टॉपिक को करने के दो तरीके हैं, वो दो तरीके क्या क्या है बेटा कि हमारे पास जो KW है ना वो गिवन है, तो आपको ये पता होगा KW किसके इक्वल होता है, KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव इनटू OH नेगेटिव, ये आपको पता है। KW की वैल्यू कितनी है 10 की पावर माइनस 40, कंसेंट्रेशन आपको H पॉजिटिव की निकालनी है और OH नेगेटिव की क्या कंसेंट्रेशन होती है 10 की पावर माइनस 3, OH नेगेटिव की क्या कंसेंट्रेशन होगी 10 की पावर माइनस 3। तो आप यहाँ से H प्लस की कंसेंट्रेशन निकल जाएगी, ये तो 10 की पावर माइनस 14 है, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3, तो ये क्या बच गया 10 की पावर माइनस 11। ये बात आपको समझ में आ गई बेटा, H प्लस कितना बचा 10 की पावर माइनस 11 बचा। तो अब आप pH निकाल दो, अब आप क्या निकाल दो pH, तो pH इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, तो pH इक्वल टू क्या आया माइनस लॉग 10 रेज टू पावर माइनस 11, तो क्या बन जाएगा pH इज इक्वल टू माइनस, माइनस का 11 इंटू लॉग 10, आपको पता है लॉग बेस 10 इक्वल टू 1 होता है, माइनस माइनस प्लस का क्या आंसर आ गया 11 आंसर, इसका आंसर क्या आ गया बेटा 11 आ गया, ठीक है। आया समझ में, हाँ भी इसमें आपको बेस की कंसेंट्रेशन गिवन थी, बेस मतलब आपको OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन यहाँ पे गिवन थी, OH नेगेटिव की क्या कंसेंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 3। अब ये आपको पता है KW इज इक्वल टू होता है H प्लस इनटू OH माइनस, ठीक है। तो KW तुम्हें गिवन था, कंसेंट्रेशन आपको OH नेगेटिव की गिवन है, तो हमने यहाँ से किसकी कंसेंट्रेशन निकाल ली H पॉजिटिव की, 10 की पावर माइनस 11 आया, मतलब pH कितनी आ जाएगी इसकी 11 आ जाएगी, ओके इसकी पीएच कितनी हो जाएगी 11। कर लोगे बेटा, अब इसको करने का एक तरीका और भी है, इसी को करने का एक तरीका और भी है, मैं आपको वो और सिखाती हूँ। ये हो गया मैं रख कर दू नीचे का पोर्शन, चलो ऊपर सिखाती हूँ सेकंड तरीका इसका। देखिए यहाँ पे आपने OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन निकाल ली है, OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन कितनी आई तुम्हारी 10 की पावर माइनस 3। तो अब आप क्या करो यहां से बेटा POH निकाल लो, POH कैसे निकलता है माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव,
पीओएच क्या हो गया माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 3, तो पीएच हो गया माइनस, माइनस का 3 इंटू लॉग 10, तो पीओएच कितना आ गया बेटा बताओ, लॉग बेस 10 तो वन हो गया, माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, तो पीओएच कितना आ गया 3 आ गया। ये तो पीओएच आई, और न्यूमेरिकल में क्या निकालना दिया है पीएच, तो पीएच निकालने का क्या फॉर्मूला है, pH plus pOH equal to 14. pH plus pOH equal to 14. तो यहाँ पे pH क्या आ जाएगी 14 minus pOH. तो pH आपकी आ गई 14 minus 3 कितनी 11. pH कितनी होगी बेटा 11 होगी। तो आप किसी भी तरीके से कर लो, आंसर आपका सेम रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस सॉल्यूशन की pH आपकी 11 है, मतलब ये हाईली बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये आपके दो मेथड है इसमें पीएच का निकालने का, समझ में आया ये आपको? हाँ भाई, ये मेथड आपको समझ में आया बेटा? बोलिए। यस मैम। दो बेटा आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। देखो आयुष, आप ये कह रहे हो इसमें ना बेस था, बेस मतलब ओएच नेगेटिव की कंसंट्रेशन गिवन थी, OH नेगेटिव कितना गिवन था 10 की पावर माइनस 3, तो मैंने POH निकाल लिया। POH निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, तो POH क्या हो गया माइनस लॉग इनटू 10 की पावर माइनस 3, तो POH क्या आ गया माइनस, तो भारी है ये माइनस 3 पावर में था, मल्टीप्लाई में ले आई माइनस का 3 इनटू में लॉग 10 हो गया, लॉग 10 इक्वल टू 1 होता है, तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करी प्लस का 3 आ गया, तो POH आपकी 3 आई। अब मैंने कल आपको ये लिखवाया था फॉर्मूला pH plus pOH equal to 14 है, यहाँ से pH निकाल दी, 14 minus 3 कितना आ गया 11 आ गया। बस इस तरीके से करना आपको। गौरव बेटा क्लास में लेट आए हो, कल से टाइम पे आना। हिमांशु तू भी लेट था क्लास में आज, तुम लोगों का डेली का ड्रामा हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम कास्टिक सोडा, कंटेनिंग 2 ग्राम कास्टिक सोडा पर लीटर। तो देखिए बेटा न्यूमेरिकल आपका है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम कास्टिक सोडा पर लीटर ऑफ वॉटर। तो आपको पता होना चाहिए कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH। तो सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन गिवन है 2 ग्राम NaOH पर लीटर ऑफ वाटर में, तो आपको इसकी मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। मोलैरिटी कैसे निकलती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब NaOH के नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल कैसे निकले, गिवन मास तो क्या है NaOH का 2, और NaOH का मोलर मास क्या होता है सोडियम का 23, O का 16 प्लस में एक H मिला के 40 हो गया, तो 2/40 आ गया, ये क्या आ गया, ये 2/40 आ गया, और वॉल्यूम तो 1 लीटर है ही, तो ये आपका ये बन गया 2/40 का मतलब क्या आया 1/20 का मतलब 0.05, 1/20 का मतलब क्या हो गया बेटा 0.05। यहां तक किसी को दिक्कत, 0.05 को यू लिख लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 5 × 10^-2, 5 × 10^-2, तो ये आपकी बेस की कंसंट्रेशन आ गई, NaOH आपका बेस था ना, तो किसकी कंसंट्रेशन आ गई बेस की। अब इसको करने के दो तरीके हैं, OH नेगेटिव आपका आ गया 5 × 10^-2, तो अब आप इसका POH निकाल दो, POH क्या हो जाएगा माइनस लॉग 5 × 10^-2,
तो पी ओ एच आपका हो गया माइनस लॉग 5 प्लस लॉग 10 की पावर माइनस 2. पी ओ एच इक्वल टू माइनस लॉग 5 क्या होता है 0.699 प्लस में आ गया माइनस का 2 इंटू लॉग 10. लॉग 10 आपको पता है 1 के इक्वल होता है. तो पी ओ एच क्या आ गया माइनस का 1.301 आ गया माइनस का. माइनस माइनस हो गया प्लस तो पीओएच कितना आ गया 1.301. यहां तक का समझ में आया भी बोलो. हाँ भाई ये समझ में आया आपको इतना कर लोगे. यस मैम. ठीक है तो अब इसके बाद पीओएच तो निकल ही गया तो अब बस आपको क्या करना है पीएच निकालना है. तो मैं ऊपर की एक लाइन रब कर देती हूँ बस तो आपको पता होगा पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू किसके होता है 14 के करवाया था अभी. तो आपके पास पीएच है प्लस पीओएच कितना है 1.301 इज इक्वल टू 14. तो पीएच कितना हो गया 14 माइनस 1.301. 14 में से क्या माइनस करोगे 1.301 तो क्या आ जाएगा ये 12.699. ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा बेटा आपका कर लोगे. अब जो रूटीन से पढ़ते हैं वो तो कुछ कर लेंगे. हो गया ये हाँ भी रब कर दूं मैं इसको. या भी नहीं हुआ है. अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल करवा रही हूं मैं आपको. नेक्स्ट टाइप है हमारी पीएचओ वेरी डाइल्यूट. पीएचओ वेरी डाइल्यूट एसिड और अल्कलाई सॉल्यूशन. पीएच ऑफ वेरी डाइल्यूट एसिड और अल्कलाई सॉल्यूशन. बेटा वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या है कि इसमें पानी की कंसेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है. वाटर की कंसेंट्रेशन इसे बहुत ही ज्यादा है. एसिड को हाईली डाइल्यूट किया गया है या बेस को हाईली डाइल्यूट किया गया तो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इज वेरी हाई. यहाँ आप वाटर की कंसेंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. तो अब हम यहाँ पे पीएच निकालेंगे ऑफ वेरी डाइल्यूट एसिड और अल्कलाई सॉल्यूशन. ठीक है तो देखिए बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे इसे मिस्टेक कर जाते हैं तो आप ध्यान से देखना ये क्वेश्चन कैसे होगा आपका. पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 8 मोलर एचसीएल सॉल्यूशन. Calculate the pH of 10 raised to power minus 8 molar HCl solution. ठीक है तो देखिए बेटा कैसे होगा ये क्वेश्चन आपका. इसमें आप लोगों को कंसेंट्रेशन गिवन दी है किसकी HCl की. HCl की कंसेंट्रेशन क्या है 10 की पावर माइनस 8 मोलर. 10 raised to power minus 8 molar HCl solution. तो यहाँ पे HCl की कंसेंट्रेशन क्या बेटा आप खुद देखो बहुत ही कम है ना 10 की पावर माइनस 8. तो मतलब आप इसमें वाटर की कंसेंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. यहाँ आपको वाटर की कंसेंट्रेशन को साथ लेके चलना पड़ेगा. देखिए बेटा फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इसमें पानी का अमाउंट काफी ज्यादा है
क्योंकि एसिड सिर्फ कितना है 10^-8, बहुत कम वैल्यू है बेटा एसिड की, तो आप यहाँ पे वॉटर की कंसेंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए बेटा इस केस में क्या होगा, आपको यहाँ पे कंसेंट्रेशन गिवन दी गई है एसिड की, एसिड की कंसेंट्रेशन क्या है 10^-8 मोल। तो आप कहेंगे इन एसिड, एसिड में एच प्लस की कंसेंट्रेशन है 10^-8 मोल, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ बेटा वॉटर में, क्योंकि इसमें पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा है ना, तो आप वॉटर में एच प्लस की कंसेंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ एसिड का अमाउंट कम है, वॉटर का अमाउंट ज्यादा है। तो वॉटर में एच प्लस का अमाउंट कितना होता है 10^-7 मोल है। मैंने कल आपको समझाया था वॉटर के केस में एच प्लस की कंसेंट्रेशन में 10^-7 है और OH की कंसेंट्रेशन भी क्या है 10^-7 है, दोनों में बराबर कंसेंट्रेशन होती है एसिड की और बेस की, एच प्लस की और OH माइनस की, ठीक है। तो बेटा आप देखो, आप अब इन दोनों के मिला के टोटल एच प्लस की कंसेंट्रेशन निकालो, इन दोनों को मिला के टोटल एच प्लस की कंसेंट्रेशन निकालो, तो क्या आएगा 10^-8 प्लस में क्या आ गया 10^-7। इतना आपको समझ में आ गया बेटा। अब मैं क्या करूं, इसमें से क्या कॉमन ले लूं, 10^-7 कॉमन ले लूं, तो ये क्या बच जाएगा 10^-1 प्लस क्या बच गया 1 बच गया। तो अब मैं इसको ये लिख लूं, 10^-1 का मतलब क्या होता है 0.1+1, तो टोटल आपकी कंसेंट्रेशन क्या आ गई एच प्लस की 1.1 × 10^-7, 1.1 × 10^-7। बेटा इसमें आपको ये बात समझ में आई, मैंने वाटर के एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन भी क्यों जोड़ी, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, इसमें सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन तो बहुत ही कम है, तो आप इसमें सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सॉल्यूट यहाँ पे HCl था, सॉल्वेंट यहाँ पे वॉटर है, तो सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन यहाँ बहुत कम है, इसकी वजह से आप सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो वॉटर के अंदर भी H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्या होती है 10^-7 मोल है, वो भी आपको लेनी पड़ी, और आपको एसिड में कंसेंट्रेशन H प्लस की गिवन दी है 10^-8, तो ये भी आपको लेना पड़ा। तो अब इन दोनों को जोड़ के आप टोटल कंसेंट्रेशन निकालोगे H प्लस आयन की, तो 10^-8 + 10^-7, मैंने कॉमन यहाँ से निकाल लिया 10^-7, तो ये क्या बच गया 10^-1 प्लस में यहाँ क्या बच गया 1। आपको पता है 10^-1 का मतलब क्या होता है 0.1+1, यहाँ मैंने कर लिया, तो 0.1+1 क्या बन गया ये 1.1 × 10^-7। अभी तो ये सिर्फ एच प्लस की कंसेंट्रेशन आई है, अब इसके बेस पे हम पीएच निकालेंगे, अब इसके बेस पे हम क्या निकालेंगे पीएच निकालेंगे। तो बताओ बेटा आपको ये समझ में आया, इससे आगे मैं करवाऊं आपको, ये लिख लिया हो तो नब कर दूं। यस मैम। आप इस सब बच्चों का हो गया इतना, जल्दी बोले बेटा इतना हो गया तो मैं इसको रब कर दूं। यस मैम। ठीक है बेटा, आप इसके आगे इसके पीएच निकालेंगे, अभी हम क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ एच प्लस की कंसेंट्रेशन आई है। अब हम यहाँ निकालेंगे पीएच, तो pH इक्वल टू क्या होगा माइनस log कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो pH इक्वल टू हो गया माइनस log 1.1 × 10^-7। चलो इसको सोल्व करते हैं, तो pH इक्वल टू माइनस log A into B है, तो log A प्लस B कर लें, log 1.1 प्लस log 10^-7 हो गया, ठीक है। इसको U और लिख लूं, pH इक्वल टू माइनस log 1.1 प्लस में माइनस का 7 × log 10, माइनस का 7 × log 10, ठीक है। इतना आप लोग कर लो बेटा, भाई कई बच्चे ना बेटा ऐसे हैं टीचर का फोन देखे ना उठाते भी नहीं है, बेटा निधि कल मैंने फोन किया आप लोग बैक कॉल भी नहीं करते हो, कम से कम बाद में देख के तो बैक कॉल कर लिया करो आप लोग। तो यहाँ पे इसको सोल्व करो, आप बताओ log 1.1 कैसे देखोगे, शाबाश कल आपको सिखाया था, log 1.1 कैसे देखोगे,
सबसे पहले क्या देखना है, डिजिट कितनी है पॉइंट से पहले? वन है, तो n माइनस वन जीरो हो गया। तो एक लाइन में और यहीं पे लिखती हूँ, पीएच इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट। अब लोग इलेवन देखोगे किस पे, जीरो पे, क्योंकि आगे तो जीरो ही है। तो आप देख लो इलेवन की जीरो पे क्या लॉग वैल्यू है, 0414। ठीक है, यही है 0.0414। ये लॉग 1.1 हो गया, प्लस माइनस माइनस का 7 हो गया, लॉग 10 आपको पता है इनटू 1 हो गया। ठीक है, तो 7 में से ये माइनस कर दो तो पीएच क्या आ जाएगी बेटा, जीरो पॉइंट जीरो फोर वन फोर माइनस करो 7 में से, 7 से तो कमी आई ना थोड़ी सी। तो एसिड था HCl और एसिड की कंसेंट्रेशन 7 से ज्यादा नहीं आ सकती, तो यहाँ 7 से थोड़ी कमी आई, 6.95 आई। तो ये सॉल्यूशन होगा इस न्यूमेरिकल का, इस तरह से आपको इसको सोल्व करना है। यहाँ पर आप वाटर की कंसेंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया बेटा, या फिर बताओ इसको? तो अब मैं आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल और करवाती हूँ, ये हो गया हो तो मैं रब कर लू। टाइप आपकी चल रही है पीएच ऑफ वेरी डाइल्यूट एसिड और एल्कलाई सॉल्यूशन। अब तक मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखती हूँ, किसी बच्चे की कोई लाइन है रही है तो कर लो। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर माइनस 10 मोलर NaOH सॉल्यूशन। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 10 मोलर NaOH सॉल्यूशन। बेटा NaOH सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन गिवन है 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, अभी इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे।